में जब इस यात्रा को मैं निकाल लाता हूं तो बहुत सारे क्षेत्रवासियों के मन में भाव आया था कि आखिर राजनीति में बैठे हुए लोगों को इस प्रकार की यात्रा निकालने की क्या जरूरत। इससे पहले पूरे देश में, पूरे प्रदेश में और अपने जनपद में किसी भी विधायक ने किसी भी इस प्रकार की यात्राएं निकाली, देश में कभी नहीं हुआ, आज भी किसी ने नहीं किया। हमने जब निकाला तो बहुत सारे लोगों ने आरोप प्रत्यारोप भी लगाया, ये तो राजनीति है भाई, राजनीति के चक्कर में, वोटों के चक्कर में विधायक ये यात्रा निकाल रहे हैं। अब दो साल पहले तो कोई चुनाव था नहीं, कोरोना से पहले, तो उस समय वोटों का क्या चक्कर होगा। बहुत सारे लोग अपने अपने ढंग से बात करते थे, हमको भी लगता था जब राजनीति इसे यात्रा निकालने से पहले। उन्नाव सदर विधानसभा में क्षेत्र के सेवाभावी विधायक अयोध्या में रामलला के मंदिर बनने की सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आने के बाद से लगातार क्षेत्र की जनता की मांग पर पंकज गुप्ता श्रवण कुमार यात्रा के नाम से जो शुरू किए कार्यक्रम, उस कार्यक्रम के अंतर्गत की आज 37वीं यात्रा ग्राम विधनु से रवाना की गई है। और इस यात्रा में क्षेत्रीय गांव के तमाम लोग अपने मन से काफी हर्षोल्लास पूर्वक रवाना हुए। इसके पहले सभी लोगों के पैर पखार कर विधायक ने अयोध्या में श्री रामलला दर्शन के लिए उनको रवाना किया। मेरा मानना है कि जिला ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं से भी भगवान रामलला के भव्य मंदिर निर्माण का फैसला सुप्रीम कोर्ट के आने के बाद किसी भी विधायक ने इस तरह का निर्णय नहीं लिया। उन्नाव सदर में लोगों की अपनी इच्छाएं थी कि भगवान रामलला के दर्शन करें, सरयू में स्नान करें, इसी को लेकर के सदर विधायक जी ने यह कार्यक्रम बनाया। और आज 37वीं यात्रा दो बसों में ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं, पुरुष, माताएं, बहनें सब रवाना हुई हैं। मैं इस कार्यक्रम की भूर भूर प्रशंसा करता हूं।